अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ्रेंड्स, वेलकम टू हसीन इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मुझे एक भाई की तरफ से मैसेज आया। उन्होंने लिखा जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आई वांट इक्विवेलेंट ऑफ डायोड, प्लीज़ रिप्लाई मी, आई एम सेंडिंग इमेज ऑफ इट। उन्होंने मुझे ये डायोड SR540 शॉट की डायोड का नंबर भेजा। वो मैंने इनको ये नंबर, मैंने इनको कहा जी ये नंबर आप ले लें। इसके बाद उन्होंने ये मुझे एक ब्रिज रेक्टिफायर का नंबर भेजा है जिस पे लिखा हुआ है DS D2SB 60A। इसका नंबर आप कैसे पढ़ेंगे? D2SB तो एक ब्रिज की पूरी फैमिली है, लेकिन इसके साथ जो ये साथ है 60A06 लिखा हुआ है, तो इसको आपने पढ़ना है। तो इसको अभी हम जाएंगे देखेंगे गूगल में, तो गूगल इसका क्या जवाब देता है। D2SB सबसे पहले आप किसी भी कंपोनेंट की डाटा शीट देखिए, D2SB60 ये देखें, तो ये इसने पहले आ गया D2SB60। ये सबसे पहले देखिए तो डिजिट चिप वाले इसकी जो डाटा शीट दे रहे हैं, इसी को क्लिक कर लेते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। यहाँ पर ये बताता है कि D2SB60 जो है ये एक डायोड है, तो इसको आप इसकी डाटा शीट देख लीजिए। डाटा शीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे आप। यहाँ पर ये इसका शजरा नसब बताएगा, इसको देख लीजिए D2SB60। ये कह रहा है कि 600 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का है ये डायोड ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पर इसका पैकेज बताता है और कहता है कि थिन सिंगल इन लाइन पैकेज में है, हाई IFSM में है और स्विच पार्ट पावर सप्लाई में इस्तेमाल होता है। टेलीकम्युनिकेशन, फैक्ट्री, ऑफिस, मुख्तलिफ जगह पर ये मल्टीपर्पज़ है। तो इसके सबसे जो देखने वाली चीज़ आपकी है वो है VRM, पीक रिवर्स वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज में तो ये 1 वोल्ट में 1.25 वोल्ट में काम कर रहा होता है, इसकी मैक्सिमम करंट जो है वो 1.5 एम्पेयर है और पीक सर्ज करंट वो कहता है जी 80 एम्पेयर तक ये जा सकता है 50 हर्ट्ज़ साइन वेव पे। करंट स्केयर टाइम जो है इसका 2 मिली सेकेंड, उस पर 32 एम्पेयर सेकेंड के हिसाब से इसमें बर्दाश्त करने की हिम्मत है। फॉरवर्ड करंट इसकी है, फॉरवर्ड वोल्टेज है 1.5 वोल्ट 0.7 एम्पीयर पे, आई फॉरवर्ड पे। इसका डायोड जो है उसकी रेशियो ये है। अभी इसका अगर आपको इक्विवेलेंट नहीं मिलता तो क्या करेंगे उसके लिए, तो यहाँ पे चले जाएंगे, तो digikey.com पे चले जाइए आप। digikey.com एड्रेस बार में DIGIKEY digikey.com यहाँ पर इसको एंटर कर दीजिए। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर जाकर एक तो तरीकाकार ये है कि यहाँ से आप डिस्क्रीट पे क्लिक कर दें या इधर से डायरेक्टली ब्रिज लिखिए, ब्रिज रेक्टिफायर ऊपर यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लिखते हैं तब भी आप वहीं पे चले जाएंगे कि मुझे ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए। ये कंपोनेंट सिलेक्शन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टूल है और आप यहाँ पर आ जाएंगे डायोड पर, ब्रिज रेक्टिफायर पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इस पर, ब्रिज पर। अच्छा, यहाँ पर आकर ये आपको ये कहता है कि कौन से मैन्युफैक्चरर से चाहिए। हमें कुछ भी इसको नहीं देना, हम इसको कहते हैं कि जी एक तो एक्टिव दे दो जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हों। तो कहते हैं 4668 कंपोनेंट अवेलेबल हैं, इसको नीचे ले आए। यहाँ पे वो कहता है सिंगल फेज़ में चाहिए, डायोड टाइप कौन सी होनी चाहिए, डायोड फेज़ ब्रेकिंग में होनी चाहिए, सिंगल फेज़ PFC मॉड्यूल में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, थ्री फेज में होना चाहिए। हम इसको स्टैंडर्ड में कहते हैं, ठीक है जी, सिंगल फेज़ और स्टैंडर्ड में। अभी इससे नेक्स्ट आ जाइए तो यहाँ पे कहता है वोल्टेज पीक रिवर्स मैक्सिमम। जो चीज़ हमने यहाँ पे बताई थी पीक VRM मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, वो हमने कहे थे 600 वोल्ट, अभी हम इसको 600 वोल्ट देंगे। पहले तो यहाँ पे आप इसको 600 वोल्ट दे दें। इसकी डाटा शीट जो ओरिजिनल कंपोनेंट जो डैमेज हुआ है दोस्त के पास, उसकी है 1.5 एम्पीयर। तो हम पहले 1.5 एम्पीयर देकर देखते हैं। अभी देखें 600 वोल्ट में वो कहता है मेरे पास 674 डिवाइस हैं, 674 कंपोनेंट उसके पास है, तो इसको हम अभी 1.5 एम्पीयर देते हैं। 1.5 एम्पीयर में उसके पास 63 कंपोनेंट रिमेनिंग है, हम इसको अप्लाई फ़िल्टर कर देते हैं। अप्लाई फ़िल्टर करेंगे तो ये सर्च करेगा,
जब ये सर्च करेगा तो यहाँ पर ये देखिए तो नीचे इसने पूरी लिस्ट दे दी है आपको। अभी इसमें पैकेज के हिसाब से आप देखते जाइए, इसने कहा है जी ये कंपोनेंट 600 वोल्ट 1.5 एम्पेयर में है, 1.5 एम्पेयर में, लेकिन हमें ये पैकेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला पैकेज। ठीक है जी, इस पर देख लीजिए KBP06G, और ये एक मिल गया हमें, ये भी उसी से मिलता जुलता कंपोनेंट है 20G। इसने अभी ये शीट नंबर 1 बताई है, शीट नंबर 2 पे देख लें, मे बी आपको कोई और कंपोनेंट मिल जाए। अच्छा, शीट नंबर 2 में अभी हमें ये पैकेज वो बता ला, आप अभी फ़िल्टर भी दूसरा कर सकते हैं। ये देखें तो यहाँ पर है G2SB60E351। इसमें अभी हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मोर फिल्टर में जाइए तो थ्रो होल में हम कह देते हैं, तो थ्रो होल में इसे कहते हैं कि जी हमें दिखाओ जी, तो उसमें थ्रो होल में 18 कंपोनेंट वो बता रहे हैं, इन 18 की लिस्ट हम देख लेते हैं। थ्रो होल में दो तीन तरह के पैकेज आ गई, कैन पैकेज में आ गया, स्केयर पैकेज में आ गया, तो हमारे पास एक है KBP60, ये है DBF20G, इसके बाद यहाँ पे आ गया 2SB60, और ये 2SB60 सीरियल आ रहा है, और यहाँ पे है SBM C6। यहाँ पे हम फिर दोबारा ब्रिज में जाते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर, अभी हम एक नई सर्च देते हैं, ये हमें 3 नंबर तो मिल गए, 3 नंबर्स में। अच्छा, अभी हम आते हैं यहाँ पर मोर फिल्टर में जाइए, तो ब्रिज में हम कहते हैं कि जी हमें चाहिए 600 वोल्ट में था, हम 700 वोल्ट में मांगते हैं इससे, चलो 650 लगा के देखते हैं, उसमें कहते हैं उसके पास एक ही कंपोनेंट है। अभी हम 650 में देखते हैं, तो 650 में इसके पास टोटल एक डिवाइस आ रहा है, 700 में चले जाएँ 5 डिवाइसेस आ रहे हैं, 600 में दोबारा आ जाइए, 600 में हमारे पास 1098 आ रहे हैं। अभी पहले हमने इसको कहा था कि जी हमें 1.5 एम्पेयर मांगा था, अभी हम कहते हैं कि मिनिमम 1.5 होना चाहिए, और इसको अप्लाई सर्च करवा दो कि जी 1.5 से ऊपर मुझे दे दो। अभी 1.5 से ऊपर आपको ये लिस्ट मिल गई। अभी इसमें ये एक तो उसने बता दिया कि KBU8J, अभी इसमें इसने सारी पैकेज आपको बता दिए। अगर आपके पास कोई जो आपको रिक्वायर्ड नंबर है वो नहीं मिलता तो आप ये वाला पैकेज लगा दीजिए, ये वाला पैकेज लगा दी। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, उसकी फिर थोड़ी बहुत अल्टरेशन कर लेंगे, थोड़ा बहुत अल्टर कर लीजिए उसको, और उसको चेंज कर लीजिए, माउंटिंग स्टाइल चेंज कर लीजिए। आगे है PB5006। अभी इसमें एक और आप फिल्टर दे सकते हैं कि जी यहाँ पर आपने बता दिया फ्यू फिल्टर, मोर फिल्टर में जाइए, इसका अभी पैकेज स्टाइल चेंज कर लीजिए, स्टैंडर्ड में है, करंट रेटिंग आप जो भी करंट रेटिंग लगाएंगे कि इसमें जो आपको लिस्ट दी है इसमें वो आपको बताएगा जी आपने कौन सा उसमें लगाना है, तो उसके लिए आप मज़ीद उसको, हमें 1.5 मांगा था तो 1.5 में देखते हैं क्या इसके पास आता है, तो कहता है 108 आ रहे हैं, तो अभी 108, और थ्रो होल कंपोनेंट में देखिए तो 62 कंपोनेंट आ रहे हैं। आगे आप पैकेज स्टाइल में चले जाते हैं कि SOP है, SMD है, हमें SMD में नहीं चाहिए, 62 कौन से आते हैं, ये वो हैं जो कि पैकेज स्टाइल में KBP06 आ गया, और ये आ गया इसके पास 3N250। अभी आप जिसकी भी डाटा शीट देखना चाहेंगे उसको क्लिक कीजिए, तो अगर बिलफर्स इसको देखना है हमने कि जी ये डायोड क्या कहता है, तो इसकी डाटा शीट पे चले जाइए, तो ये है 600 वोल्ट का है, इसकी यहाँ पे 1.5 एम्पीयर करंट आ रही है। तो इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट को, ये देखें DBF20G, ऐसे ही अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप ये लगा दीजिए, ये भी उसी के उससे मिलता जुलता है, सिर्फ आपने AC वाले टर्मिनल पे AC लगानी है, DC वाले पे DC लगाना है, तो इसको फिट कर दें। आगे हमारे पास G2SB60 आ रहा है,
ये लगा दीजिए, जो इस तरह ये नंबर आपके पास आ रहे हैं आप इनको लगा दीजिए। अगर किसी को इस तरह कोई भी कंपोनेंट आपको ढूंढने में दिक्कत आती है तो आप डिजी की पे जाके बड़े आसानी से उस कंपोनेंट को मुख्तलिफ पैरामीटर दे के, आपको एक नहीं मिलता आप एम्पियर रेट में उससे ऊपर चले जाइए। वोल्टेज आपको 600 वोल्ट चाहिए, आप 650 700 में चले जाएँ, उससे ऊपर वाली रेंज में जहाँ तक मर्जी चले जाएँ। ये नहीं है कि आप 600 है तो 600 की जगह पे 400 नहीं लगाना, 600 की जगह पे 600 या उससे ऊपर ले जाएं, नो प्रॉब्लम। आपको 1.5 एम्पियर चाहिए, आप 1.6 1.7 2 एम्पियर 3 एम्पियर लगा दें चलेगा, लेकिन उससे नीचे रेटिंग में नहीं आना। जो ही नीचे रेटिंग में आएंगे ओवरहीट होके वो डैमेज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है, मालूमाती है, आपको इसमें से कुछ मिला, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।